हाय एवरीवन, आज का वीडियो एपन आर्ट के ऊपर है। एपन यानी रंगोली। एपन आर्ट उत्तराखंड का फोक आर्ट फॉर्म है और इसे मेनली स्पेशल ओकेजंस, फेस्टिवल्स और रिचुअल्स पर बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये हमें ईविल से प्रोटेक्ट करता है। एपन को यूजुअली स्मूथ सरफेस पर बनाया जाता है। आप इसे घर की एंट्रेंस पर, चौकी पर, पूजा की थाली पर या किसी कपड़े पर तोरण की तरह बना सकते हैं। ट्रेडिशनली एपन का बैकग्राउंड गेरू से प्रिपेयर किया जाता है, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और एपन बनाने के लिए बॉइल्ड राइस पेस्ट यूज किया जाता है। बट आजकल एपन को ना ही सिर्फ स्पेशल ओकेजंस बल्कि एज एन आर्ट फॉर्म भी बनाया जा रहा है। इसे आप कैनवस पर या फिर टोट बैग पर या फिर घर के किसी भी आर्टिफैक्ट्स को डेकोरेट करने के लिए बना सकते हैं। ट्रेडिशनली तो एपन रेड और वाइट कलर कॉम्बिनेशन का ही होता है, बट आप डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस भी ट्राई कर सकते हैं। एपन बनाने के लिए आप किसी भी रेड कलर के पेंट का यूज कर सकते हैं फॉर द बेस, और फिर उसके ऊपर ड्रॉइंग करने के लिए आप वाइट एक्रिलिक पेंट या फिर इवन 3D कोन लाइनर का भी यूज कर सकते हैं। इस लॉकडाउन में मैं वेरियस आर्ट फॉर्म्स ट्राई कर रही हूँ और एपन आर्ट भी मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। इस वीडियो में मैं अपना प्रोसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि जो लोग फर्स्ट टाइम इसे ट्राई कर रहे हैं और जो बिगनर्स हैं उन्हें मेरे वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। ये एक 10x10 इंच का वाइट कैनवस बोर्ड था जिसको मैंने रेड एक्रिलिक पेंट से पेंट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर अपनी ड्रॉइंग बनाएंगे। ड्राइंग स्टार्ट करने के पहले मैंने एक रफ नोटबुक पर अपना पैटर्न रफली ड्रॉ कर लिया था ताकि मुझे आइडिया रहे कि मुझे एग्जैक्टली क्या बनाना है। इसके बाद मैंने कैनवस का सेंटर पॉइंट मार्क किया और उसके बाद कंपास की हेल्प से मैंने 3 कंसेक्यूटिव सर्कल्स ड्रॉ किए। तो अब मैं फेविक्रिल का 3D कोन लाइनर यूज कर रही हूँ और ये पर्ल मेटालिक सिल्वर कलर में है। अभी लॉकडाउन में मेरे पास यही अवेलेबल था तो मैं इसे ही यूज कर रही हूँ। पहले मैं केयरफुली तीनों सर्कल्स को आउटलाइन करूंगी और उसके बाद अंदर का पैटर्न ड्रॉ करूंगी। अंदर का पैटर्न ड्रॉ करने के लिए मुझे सेकंड सर्कल पर पॉइंट्स मार्क करने हैं, तो मैं सेंटर से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 2 पॉइंट्स मार्क करूंगी और फिर लेफ्ट एंड राइट साइड पर भी 2 और पॉइंट्स मार्क करूंगी। इसके बाद ऊपर और साइड के पॉइंट्स के सेंटर में हमें एक और पॉइंट मार्क करना है और इसी तरह पूरे सर्कल में हमें इक्वी डिस्टेंस पर पॉइंट्स मार्क करने हैं। हर पॉइंट के सेंटर में इनर सर्कल पर एक पॉइंट मार्क करना है। अब 3D लाइनर से हम इन पॉइंट्स को जॉइन करते हुए एक पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न को आप किसी भी तरीके से फिल कर सकते हैं। मैं पहले इनको डबल आउटलाइन दूंगी और उसके बाद जो गैप बचेगा उसमें और एक पैटर्न ड्रॉ करूंगी।
बना रही हूँ, आप कोई भी पैटर्न बना सकते हैं और जितना नीट और इंट्रिकेट काम होगा उतना ही अच्छा लगेगा। सेंटर में मैंने लक्ष्मी जी के पांव बनाए हैं, अभी मैंने इन्हें सिर्फ आउटलाइन किया है, बाद में मैं इन्हें फिल करूंगी। जो आउटर सर्कल है इस पे भी हम अब पॉइंट्स मार्क करेंगे ताकि हम इसमें इजीली पैटर्न ड्रॉ कर सकें। उसके लिए मैं स्केल यूज़ कर रही हूँ और ऊपर और नीचे सेंटर पॉइंट मार्क कर रही हूँ। इसी तरह दोनों साइड्स पर भी पॉइंट मार्क कर रही हूँ सेंटर में। राइट वाले पॉइंट्स के बीचों बीच एक और सेंटर मार्क करूंगी। अब इस पॉइंट और टॉप पॉइंट के बीचों बीच हमें और तीन पॉइंट्स मार्क करने हैं। इसी तरह हमारे पास पूरे सर्कल पर इक्वी डिस्टेंस पर पॉइंट्स मार्क हो जाएंगे। को ज्वाइन करते हुए मैं अंदर के साइड एक डिजाइन बनाऊंगी और उसके बाद जितनी स्पेस बचेगी उस हिसाब से अंदर मोटिव्स फिल करूंगी। डिजाइन कंप्लीट होने के बाद मैं चारों तरफ एक बॉर्डर दे रही हूँ और उस बॉर्डर के अंदर भी एक पैटर्न ड्रॉ करूंगी। कंप्लीट हो गया। इसे चाहे तो हम एज अ वॉल डेकोर यूज़ कर सकते हैं या फिर दिवाली या किसी भी फेस्टिवल पर एज अ डेकोर पीस भी यूज़ कर सकते हैं।